कर करके भी बहुत मेहनत बहुत टाइम लगाकर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठा किए। लेकिन अगर बाकी देश में लगाया गया, और दूसरी बात ये हुई भाई आसाम में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था तो कम से कम बिल्कुल कम्युनल तरीके से ये नहीं किया गया। उस 19 लाख लोगों में आधे से ज़्यादा हिंदू हैं, आधे से कम मुस्लिम। लेकिन ये सरकार तो इनकी मंशा तो बिल्कुल साफ है, ये तो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को एनआरसी के बाहर करके सबसे पहले तो उनके वोटिंग राइट छीन लें, उनके सिटीजनशिप राइट छीन लें, और उसके बाद वो लोग हमारे पास आकर गिड़गिड़ाएंगे, पैसा लेकर जिसको चाहे हम उसको अंदर कर दें, जिसको चाहे जिसको ना करें। जो ये ऑफिशियल्स जो होंगे जो इस एनआरसी के प्रोसेस को करेंगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में होगा नहीं पूरे देश में, तो वो लोग बिल्कुल कम्युनल तरीके से चूज किए जाएंगे। उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि भाई तुम लोगों का काम ये है कि मुसलमानों को इससे बाहर कर दो और हिंदुओं को इसके अंदर कर दो। अभी भी सरकार ये कह रही है कि जिन हिंदुओं को बाहर किया गया है एनआरसी के आसाम में, उनको हम हिंदू या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ले आकर उनको वापस अंदर कर देंगे और सिर्फ मुसलमानों को बाहर रखेंगे। वैसा अगर कानून बनता है तो वो तो गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि आप किसी के रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसको हम लोग जरूर चैलेंज करेंगे कोर्ट में, लेकिन सरकार की पूरी मंशा बिल्कुल साफ है कि किसी तरह से जितने ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं उनको एनआरसी के बाहर कर दिया है। तो अब जो ये प्रोसेस होगा अगर बाकी राज्यों में हुआ तो ये तो बहुत कम्युनल तरीके से करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में क्योंकि आसाम का हुआ तो वो कम से कम कम्युनल तरीके से नहीं हुआ। उसमें कोशिश ये थी कि जितने आसाम के बाहर के लोग हैं उनको बाहर कर दो एनआरसी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। तो इसलिए बहुत ही ये गंभीर मामला है और आगे चलकर हम लोगों को इस पर पूरा हम लोगों को इसको देखना पड़ेगा, हर स्टेज पर इसको चैलेंज करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने पीपल्स ट्राइब्यूनल किया था उसमें कई जज लोग भी थे, जूरी के मेंबर्स, उन्होंने इस पर एक बहुत सख्त रिपोर्ट जारी करी थी कि ये बहुत गलत तरीके से हुआ है, इसमें लोगों के राइट्स का बहुत हनन हुआ है, और अगर आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया तो एक ये बहुत भयंकर प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए खड़ी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।